सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैपटेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस बर्ड्स के बारे में, और उसकी आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो किसी दूसरे यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई, जो आपको उसे परचेस करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आप वहां पर अपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ उसमें होगी नहीं होगी, या जो चीज़ मुझे दिखाई जा रही है वो एक गिमिक तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ उसकी साउंड क्वालिटी वगैरह के बारे में। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हमारे पास वन प्लस बर्ड्स है, ये बॉक्स वगैरह हो गया इसका, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी कुछ खास बातें बताते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी आपको इसकी टॉप क्लास देखने को मिलेगी, साउंड क्वालिटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर बात करें अगर इसके हम कॉल के फीचर की, तो कॉलिंग में भी जो दूसरे एंड पे जो पर्सन बैठा हुआ है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसे बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई देती है। और जब आप इन्हें कान में पहन लेते हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ की थोड़ी सी आवाज़ कम हो जाती है, आपको सुनाई नहीं देगी। हाँ, पूरा एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन तो जैसा काम तो नहीं करेगा, बट स्टिल आपको फर्क दिखेगा जब आप इन्हें कान में पहन रहे हो और जब आप निकाल रहे हो, तो ये चीज़ तो श्योर है। और एक और फीचर जो इसका मेरे को बताना जरूरी समझता हूँ मैं आपको, वो है कि अगर सपोज करो ये कहीं पर आपसे डिस्प्लेस हो जाते हैं, आपने कहीं पर रख दिए और या फिर बेड के नीचे गिर गया या कोई भी दिक्कत हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने मोबाइल के थ्रू यहाँ पर एक बीप का साउंड आता है उसके थ्रू इसे ढूंढ भी सकते हो। तो जो एक बहुत ही हैंडी फीचर है, क्योंकि छोटे से होते हैं अगर ये कहीं गिर गए तो दिक्कत हो जाएगी, और फिर एक को लगा के बस घूमते रहो तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला फीचर भी दिया गया जो मुझे बहुत ज्यादा सही लगा। और अगर बात करें बाकी फीचर की इसके, तो यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि जैसे अगर आपने ये वाला कान पे लगा के आप इससे म्यूजिक सुन रहे हो, तो आपको इसकी बैटरी अलग से दिखाई देगी और केस की बैटरी अलग से दिखाई देगी। आप इन सब दोनों मतलब इन तीनों चीजों की बैटरी अलग से देख सकते हो सेपरेटली, जो भी एक जो बहुत एक अच्छा फीचर है और एक अच्छा इनिशिएटिव भी कह सकते हो आप, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज रहेंगे कि किसकी बैटरी ज्यादा कितनी है और हम कौन सा यूज करना चाहते हैं। अगर सपोज करो मैंने इसे चार्ज पे लगा रखा है, ये चार्ज पे, ठीक है, और मैं इसे दूसरे वाले को यूज करना चाहता हूँ, अरे ये तो गलत लगा दिया। तो जैसे मैंने इसे अगर केस के अंदर डाल दिया, ठीक है, अब ये तो चार्ज हो रहा है बट ये चार्ज नहीं है, और मैं अगर इसे यूज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है इसकी बैटरी डाउन होगी। तो यहाँ पर मैं देख के बता पाऊंगा हाँ यार इसमें बैटरी नहीं है, तो मैं जब अगर मेरे को दूसरा यूज करना होगा, अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो मैं दूसरा यूज कर पाऊंगा आसानी से। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो शायद आपको कोई नहीं बताता, बस इसकी अच्छी अच्छी बातें बता दी जाती हैं, पर जो चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ इसके लो लेटेंसी मोड की जो कंपनी क्लेम करती है, तो वहां पर आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो लो लेटेंसी मोड है इसका, यानी जब आप गेम वगैरह खेलते हो तो वहां पर जो साउंड में लैग होता है, वैसे तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल हाँ जो हार्डकोर गेमर है और जो सिर्फ ले ही इसी ले रहा है, तो उसके लिए ये चीज़ जरूरी हो जाती है, और उसके लिए जानना भी जरूरी है कि जब आप गेमिंग वगैरह करोगे, जो लो लेटेंसी मोड बेसिकली होता है, सीन क्या है उसका कि अगर आपके पास वन प्लस का फोन है वो चीज़ तभी सपोर्ट करेगी, वरना सपोर्ट नहीं करेगी। और वन प्लस के भी पुराने फोनों में नहीं, वन प्लस के जो लेटेस्ट फोन है उन पे सपोर्ट करेगी। और भी कुछ चीज़ें जैसे इसका जो फीचर है डबल टैप वाला, वो चीज़ भी जो यहाँ पर आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, वो चीज़ भी आपको वन प्लस के फोनों में ही देखने को मिलेगी। अगर आपके पास दूसरा फोन है, जैसे अगर मान के चलो मैं एमआई का फोन यूज़ कर रहा हूँ और मैं तब यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप ये फीचर यूज़ करना चाहते हो तो आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू इसे आसानी से यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ वही चीज है कि बस वो ऑफिशियली होगा, आप उसे किसी थर्ड पार्टी के थ्रू यूज कर रहे होगे। और जैसे यहां पर ये बोलते हैं डॉल्बी एटमॉस के थ्रू ट्यून वगैरह, तो ये सारी चीजें भी अब वही वाली बात है, अपडेट वगैरह आपको सीधे कहां से मिलेंगे, वन प्लस की तरफ से मिलेंगे, वो वहां से डायरेक्ट मिलेंगे नहीं अगर आपके पास वन प्लस का फोन नहीं है। तो ये वो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इसे परचेज करने से पहले। पर बाकी आपको चीजें थर्ड पार्टी अपडेट से मिल जाएंगी, बट वो ये मेरे को बस ये इश्यू लगता है कि ऑफिशियल नहीं है, बाकी हाँ थर्ड पार्टी से मिल जाएगी अगर आप इन्हें लेना चाहते हो। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे हैं, बैटरी बैकअप अच्छा है, चार्जिंग स्पीड अच्छी है। हाँ एक और चीज जो मेरे को यहाँ पर लगी, जो इसका वायरलेस चार्जिंग इसमें सपोर्ट नहीं करता। अच्छा होता अगर ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता, क्योंकि जैसे जो और प्राइस में आते हैं इस प्राइस के साथ आते हैं, जैसे 4-5 हज़ार की जो प्राइस के साथ आते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ रियलमी के जो बर्ड्स आते हैं, वहां पर वो वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, पर ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, जो चीज़ मुझे थोड़ी सी बेकार लगी। वैसे अगर ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर हाँ अगर मैं बात करूँ साउंड क्वालिटी वगैरह तो अनमैचेबल है। और दूसरी बात एक चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक अच्छे नाम के साथ आ रही है, एक अच्छे ब्रांड के साथ आ रही है वन प्लस, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और ब्रांड का भी पैसा होता ही आपको पता ही है, एप्पल बाबू हमारे, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम मिलती रहे।